अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टे मसालेदार आलू। आलू के लिए हमने 2 किलो आलू ले लिए थे और इनको बॉईल करके अब इन्हें हमने कट कर लिया। अगर छोटे बेबी आलू हों तो उनको साबुत के साबुत ही रखते हैं, तो इसको हम बनाएंगे। और ये उन बेरोज़गार लोगों के लिए भी आज रेसिपी दे रही हूँ, ताकि जो बेचारे गली मोहल्ले में ठेला लगाना चाहें तो वो भी अपने घर से रोज़ी कमा सकते हैं। ये रोज़ी का बहुत अच्छा ज़रिया है, तो इसलिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं जहाँ भी कुछ नहीं कर पा रहे तो वो यही ठेला लगा लेंगे, तो उससे भी बहुत आमदनी अच्छी हो जाएगी। अभी तो आलू भी सस्ते हुए हैं। चलिए अब देखिए, 2 किलो आलू हमने कट कर लिए थे, तो अब ये हमने 5-6 चमची आमचूर ले लिया और थोड़ा सा नमक इसके अंदर मिक्स करके रख लिया, और ये 3 चमची हमने कुटी हुई मिर्ची ले ली। बस अब आइए हम तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, अब हमने पतीली में तेल डाल दिया और तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, बस हमें इतना ही गर्म करना है, बस धुआं निकलने लग गया है। अब इसी के अंदर हम जल्दी से फटाफट सब प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है हमें। बस अब हमने ये कर दिया, अब इसके अंदर हम ये मिर्च शामिल कर देंगे। बस कुटी हुई मिर्च, चूल्हा बंद कर देंगे। बस ये फिर मिर्च थोड़ी सी गलेगी और उसी के साथ ही हमें ये सब आलू पलट देने हैं। आलू के साथ ही हमको ये आमचूर वगैरह भी शामिल कर देना है और बस तेज तेज हिला लेना है। मज़ेदार से खट्टे आलू बेहतरीन से तैयार हो गए। मज़ेदार से खट्टे आलू तैयार हैं। बस इसके साथ अब हमने चटनी भी बनाई थी, आपको चटनी की रेसिपी भी दिखाई थी, तो ये देखिए चटनी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमने चटनी भी पीस ली है, खट्टी मीठी चटनी है माशाल्लाह से, इतनी VIP लग रही है। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमने डिश आउट कर लिए, कितने मज़े के खट्टे आलू तैयार हुए। आप रेडी लगाएं, इंशाल्लाह पैसे कमाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब तलक के लिए अल्लाह हाफिज़। को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1 मिनट लगता है। आपको पसंद आए रेसिपी ज़रूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।